खबरों की खबर हर बार आप देख रहे हैं दुनिया दरबार और मैं हूं आपके साथ रुचि पांडे। आज हम आपको ड्रग्स स्मगलिंग की ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको लाओस के एक कैसीनो के बारे में बताने जा रहे हैं जहां केवल ड्रग्स ट्रैफिकिंग ही नहीं बल्कि बच्चों की वैश्यावृत्ति, इन्हें खरीदना बेचना और बाघ हाथी जैसे वन्य जीवों की भी ट्रैफिकिंग होती थी। इस कैसीनो में मासूम बच्चों और लड़कियों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता था। उस कैसीनो में बाघ की हड्डियों से बनी वाइन और हाथी के दांतों से बनी वस्तुएं भी परोसी जाती थी। लेकिन 2018 में अमेरिकी सरकार ने इन्हीं आरोपों के तहत कैसीनो पर बैन लगा दिया। लेकिन लाओस के कैसीनो पर अमेरिका ने क्यों बैन लगाया, बताएंगे हम आज अपने इस रिपोर्ट में। लेकिन इसे जानने से पहले चलिए जल्द डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। पहली सुर्खी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार इतिहास से जुड़े गलत तथ्य बताकर अपनी फजीहत करा चुके हैं। अब वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत कमर अब्बास खोखर ने प्राचीन भारत की शान रहे तक्षशिला को प्राचीन पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। इसके अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और महान भाषाविद पाणिनि को भी पाकिस्तान की संतान बता दिया है। दूसरी सुर्खी, अमेरिका में चुनाव भले ही खत्म हो गया है लेकिन अभी तक नतीजों को पूरी तरह हजम नहीं किया गया है। वॉशिंगटन में पिछले कुछ दिन से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक लगातार रैली निकाल रहे हैं। तीसरी सुर्खी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। सत्ता विरोधी दलों के गठबंधन ने रविवार को रैली में आए 10,000 लोगों से अगले महीने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कूच करने की अपील की है। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ये कहानी है एक बेहद आलिशान कैसीनो या कह लो जुआघर की, जो एक बेहद शातिर इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क का हेडक्वार्टर है। इस कैसीनो में ड्रग्स स्मगलिंग से लेकर इंसानों की खरीद फरोख्त और बाघ जैसे जीवों का मांस तक परोसा जाता था। दरअसल इस कैसीनो का सरगना झाओ एक बंदरगाह बनाने की फिराक में था। वैशातिर सरगना इस सभी वस्तुओं के लिए अपना नेटवर्क बनाना चाहता था जिसे एक कुख्यात आतंकी के पास अपना खुद का बंदरगाह हो जहां वे अपनी गतिविधियों को अंजाम दे पाए। क्या है पूरा मामला जानने के लिए आपको इतिहास में झांकना होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश बसता है जिसका नाम है लाओस, पूरा नाम लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके उत्तर पश्चिम में चीन म्यांमार स्थित है। इसके पास अधिकतर भाग समुद्री नहीं है, देश का अधिकतर हिस्सा घनी पहाड़ी वाला है। क्षेत्र के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है मेकोंग। लाओस थाईलैंड और म्यांमार से जुड़ी सीमा है जिस कारण इसे एक गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग उत्पादक है। इसको ये नाम दिया है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने। दरअसल 1959 से लेके 1975 तक लाओस सिविल वॉर में एक तरफ कम्युनिस्ट संगठन पाथेट लाओ, इनकी लड़ाई थी लाओ की राजशाही हुकूमत से। CIA पाथेट लाओ को सपोर्ट कर रहा था तो वहीं राजशाही को चीन सपोर्ट कर रहा था। CIA इस मियो कबीले के सहारे लाओस के जंगलों और पहाड़ों में बड़े स्तर पर अफीम उगवा था। फिर लाओस आर्मी की मदद से अफीम की पैदावार को रिफाइनरी से ले जाकर उनको ड्रग्स तैयार करने के लिए कहता। तैयार ड्रग्स को लाओस एयरफोर्स के विमानों की मदद से वियतनाम और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि CIA की अपनी एयरलाइंस एयर अमेरिका भी सीक्रेटली इस ड्रग्स को लाओस से बाहर ले जाने में मदद करती थी। खुद CIA के पुराने रिकॉर्ड्स इस बात की गवाही देते हैं। सार्वजनिक की गई उसकी पुरानी गोपनीय फाइल्स उसके किए का चट्टा खोलती है। अब लाओस के उसी गोल्डन ट्रायंगल इलाके से एक कुख्यात ड्रग्स तस्करी की खबर सामने आई है। इस आदमी का नाम है झाओ वेई। लगातार कई बार आगाह किए जाने के बाद भी अमेरिका लाओस के ऊपर करीब 6,00,000 बम गिराकर भी CIA कम्युनिस्ट फोर्स को पावर में आने से रोक ना सका। अमेरिका के मुताबिक झाओ इस दुनिया के सबसे बड़े नार्कोटिक्स ट्रैफिकर्स में से एक है। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक झाओ एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन चलाता है। उसका ये गिरोह ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर बच्चों की वैश्यावृत्ति, उन्हें खरीदना बेचना और बाघ हाथी और गेंडे जैसे वन्य जीवों की ट्रैफिकिंग भी किया करता था। 2018 में
अमेरिकी सरकार ने इन्हीं आरोपों के तहत झाओ और उसकी कंपनी दोनों पर सैंक्शंस लगा दिए थे। अमेरिका ने उसके अपने वित्तीय सिस्टम के भीतर किसी भी तरह से दाखिल होने पर भी बैन लगा दिया था। अमेरिकी बैंकों में रखा उसका पैसा भी फ्रीज कर दिया गया। लेकिन झाओ ने इन सभी आरोपों से खुद को बेगुनाह भी बताया है। झाओ ने कहा कि मैंने ये केवल इसलिए किया ताकि देश की आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन इस तरह किसी भी कसीनो में बच्चों की वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना और संरक्षित वन्य जीवों का तस्करी करना सरासर गलत है। फिलहाल के लिए इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ दुनिया की ताजा तरीन तमाम खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम दुनिया दरबार। धन्यवाद।